तो दोस्तों ये है इरफान खान साहब की कब्र और यहाँ पे बनी हुई है और यहीं पे थे और बैक कैमरे से आपको जो है हम सारा कुछ दिखाते हैं कैसा है, तो वीडियो को जो है पूरा देखिए। तो दोस्तों अभी हम हैं वर्सोवा में और यहीं पे जो है इरफान खान सर की जो है कब्र बनी हुई है। ये आप देख सकते हो, ये कब्रिस्तान है यहाँ का और यहीं पे हम चलने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि कैसा है वो जगह जहाँ पे इरफान खान सर को जो है दफन किया गया था। और ये आप पीछे देख सकते हो, ये कब्रिस्तान है और यहीं पे अंदर जो है उनकी कब्र है। कब्र जो है वो आई ब्लॉक पे है, तो अंदर चल के जो है आप लोगों को दिखा देंगे कैसा है। और वहाँ पे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना वैसे अलाउ नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो के माध्यम से या वैसे दिखा देंगे कैसा है पूरा जगह। और ये आप देख सकते हो, पूरा पीछे ये बना हुआ है कब्र और यहीं पर अभी हम चल रहे हैं। और वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को अभी तक जो है लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो रेड कलर की ये बिल्डिंग दिख रही है, यही है वर्सोवा का कब्रिस्तान। तो यहीं पे जो है इमरान खान जी का जो है कब्र बना हुआ है, तो वही आज आपको दिखाने वाले हैं चल के। और चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसी जगह पे है उनका कब्र और कहाँ पे बनी हुई है। और यहीं पे जो है और भी सिंगर हैं जिनकी कब्र बनी हुई है, तो पास से चल के दिखाते हैं कि कैसा है। फिलहाल थोड़ा बहुत ट्रैफिक है तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है भाई सब ट्रैफिक वगैरह थोड़ा तो बना ही रहता है, मुंबई का जो है इलाका है ये। तो अभी हम आ चुके हैं, ये जो आप देख सकते हो ये है सामने कब्रिस्तान। इसका मेन गेट पे ऊपर उर्दू से कुछ लिखा होगा, आप शायद पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिएगा, वैसे मुझे तो उर्दू आती नहीं है। और ये पूरा व्यू है चारों तरफ का, आप देख सकते हो ये पूरी जो है बनी हुई है रेलिंग और ये है उस कुछ एंट्री गेट यहाँ से, और सभी लोग आ जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे कब्रिस्तान का एंट्री गेट। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इसी के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हिंदुओं का शमशान घाट बना हुआ है। तो गैस वाहिनी जो है, यानी कि जो है स्वचालित है, यानी कि बिजली वाला है ये, या फिर गैस वाला जो है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे शमशान घाट है और ये है कब्रिस्तान, तो दोनों आमने सामने ही बने हुए हैं। और अभी मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था जहाँ से मैंने जो है इस वीडियो को शुरुआत की, तो अभी हम अंदर आ चुके हैं। और यहीं पे अभी मैंने पूछा था वहाँ पे पीछे जो यहाँ पे मौलाना जी थी या जो भी लोग थे, तो उनसे मैंने पूछा कि कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला कि लाल वाला पत्थर उधरी पे है। तो चलो अभी हम ढूंढते हैं चल के, आई ब्लॉक वैसे बोला है, और ढूंढते हैं कि कहाँ पे है उनकी कब्र। और स्टाफ वगैरह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप आते हो तो। ये भी नहीं पूछते कि आप कौन हो क्या नाम है, कुछ ऐसा कुछ नहीं पूछते, बस आप आकर घूम सकते हो यहाँ पे। भी मैं चल रहा हूँ आगे और देखता हूँ चल के आई ब्लॉक कहाँ पे है। आई ब्लॉक में उन्होंने बोला है कि आई ब्लॉक में ही है उनकी कब्र, तो ढूंढते हैं चल के, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी जो है कब्रें बनी हुई हैं। और यहीं पे जो है साजिद वाजिद आप जानते होंगे, तो उन साजिद वाजिद जो हैं उनके भाई जो थे, तो वो भी उनकी कब्र भी यहीं पे कहीं पे है। तो अभी हम डी ब्लॉक पे जो है वो आ चुके हैं और हमको चलना है आई ब्लॉक तक। तो यहीं पे हम ढूंढते हुए चल रहे हैं कि कहाँ पे है आई ब्लॉक, और बाद में आप लोगों को बताएंगे कि किस जगह पे। अगर आप आते हो तो आपको जो है डायरेक्ट वहीं की लोकेशन बता देंगे किस जगह पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनुज भाई जो हैं चल रहे हैं और दिखाते चल रहे हैं, ढूंढते चल रहे हैं भाई साहब। ढूंढते ढूंढते का तो काफ़ी टाइम हो गया कि आई ब्लॉक मिल ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम लोग आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं ढूंढते हुए कि कहीं ना कहीं तो फिर मिल ही जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पे हम आ चुके हैं, देख सकते हो कुछ इस तरह काफ़ी बड़ा जो है कब्रिस्तान बना हुआ है। और ढूंढना उतना भी मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपको 15 से 20 मिनट का समय लग जाएगा ढूंढने में। लेकिन जब मैं वीडियो एंडिंग करूँगा तब तक मैं आपको जो है एग्जैक्ट लोकेशन बता दूँगा कि कहाँ पर है। तो फिलहाल मैं भी अभी ढूंढने में लगा हूँ और चलता हूँ आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से आ गया हूँ मैं, और ये है के ब्लॉक। इधर पे मेरे दूसरी साइड पे जो है के ब्लॉक है, और इधर पे जो है नंबर वाइज है ए बी सी डी ई एफ जी। तो अभी हम जो है जी ब्लॉक के बिल्कुल पास में आ चुके हैं, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जी ब्लॉक है और इधर पर जो है एल ब्लॉक है। तो ये कुछ इस तरह से सीन है यहाँ का, और बहुत सारी जो है कब्रें बनी हुई हैं। और ये डब्बे आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ना, तो इनमें जो है पानी भर के डालना रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए तो पानी वगैरह डाला करते हैं। तो चलते हैं देख के, देखते हैं चल के कहाँ पे है इरफान खान जी की कब्र। और वैसे यहाँ पर और भी एक्टर्स की कब्र हो सकती है। अभी देखो आप सब यहाँ पर ई ब्लॉक पर हम आ चुके हैं, तो जो है ब्लॉक थोड़ा कन्फ्यूजिंग बने हुए हैं, क्योंकि जो है एक तो अब अगर आप यहाँ पे आते हो पहली बार तो खुद ही कन्फ्यूजिंग रहेगा थोड़ा। एफ ब्लॉक पे हम आ चुके हैं
और इधर पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है। नंबर वगैरह डाले रहते हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा अगर आप आते हो कि कौन सा नंबर है, तो नंबर भी आपको बता देंगे। फिलहाल मेरे को तो याद नहीं है, बताया था उन्होंने कुछ नंबर। और इधर पे एल ब्लॉक, सब ब्लॉक का नाम डाला हुआ है पूरा। यहाँ पे आ गए जी ब्लॉक पे और एच आई, अभी बिल्कुल आगे ही चलना पड़ेगा। तो घूम के हमको लग रहा है कि जो है जहाँ से हमने शुरू किया था उसी के जस्ट सामने से एक रोड दिया होता तो उधर पे हो सकता है। तो दोस्तों ये है इरफान खान साहब की कब्र और यहाँ पे बनी हुई है और यहीं पे थे। और बैक कैमरे से आपको जो है हम सारा कुछ दिखाते हैं कैसा है, तो वीडियो को जो है पूरा देखिए। तो बहुत ढूंढने और कोशिश करने के बाद हमें जो है यहाँ पे जो उनकी कब्र है वो देखने को मिली। आई ब्लॉक पे 54 नंबर पे जो है उनकी कब्र बनी हुई है और बिल्कुल रोड के किनारे ही है। हम लोग उतना दूर से ढूंढते हुए आ रहे थे और नहीं मिला मुझे। फिर लास्ट में जब हम आए तो बिल्कुल वो जो लाल वाली आपको एक घरनुमा दिख रहा था बिल्कुल उसी के पास में, अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ के बता देते लिखा क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्गीय साहिबजादे इरफान अली खान, और 29 अप्रैल 2020 को जैसा कि कोविड के समय में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, तो फिर इनको जो है यहाँ पे दफनाया गया था। तो ये जो है उनकी कब्र बनी हुई है यहाँ पे वर्सोवा के कब्रिस्तान पे। तो यहीं पे जो है आकर जो है आप भी देख सकते हो। और वैसे कोई फाउंडेशन नहीं है, लोगों को लग रहा हो कि कोई फाउंडेशन है, कोई फाउंडेशन नहीं है। नाम पता भी आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस आपको ये बताना है कि आप कहाँ पर जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। तो यहाँ पे है, और अभी अनुज भाई जो है जल डालने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पानी भी डालते हैं बहुत सारे लोग। ये सामने रेड कलर का जो बिल्डिंग आपको दिखा भी, जहाँ पे जो है जो कब्र बिल्कुल बिल्कुल पास ही में बनी हुई है। मैं जो है पूरा चक्कर काट के आया भाई साहब कि कहाँ पे है कहाँ पे है। तो यहाँ पे है पूरी कब्र उनकी, और अनुज भाई जो है पानी जो डाले यहाँ पे, पूरे लगे हुए हैं, सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। भाई जो है अच्छे से जो है पेड़ पौधों को जो है नहला दे रहे हैं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमारी तरफ से तो यही दुआ है उनके लिए। और यहाँ पे जो है उनकी कब्र को देखकर जो है आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा। ये कुछ उनकी कब्र है यहाँ पे, और जो जहाँ पे इरफान खान जी जो है सो रहे हैं। तो कब्र का जो नाम है यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है साहिबजादे इरफान खान। तो ये कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे इनकी कब्र बनी हुई है। फिलहाल जो है अनुज भाई अच्छे से जो है पूरा जो है डब्बा भर के लाए थे, पानी डाल रहे हैं यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से पूरी जो है उनकी कब्र है जो वर्सोवा के कब्रिस्तान में पड़ती है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, और यहाँ पे जो है पानी डालने के बाद जो है आप देख सकते हो जो है यहाँ पे उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है आप जो है प्रे कर सकते हो, और यहाँ पे आप आ सकते हो, घूम सकते हो, कुछ इस तरह से उनका कब्र है। तो यहाँ से अभी हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।